Hi guys, today we are going to start class 11 mathematics introduction video chapter 1 sets. In this video we will discuss sets, notation of sets, representation of a set and the last types of a set. Now first we will discuss about set. A well set is well defined collection of objects. सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का. वेल डिफाइंड, व्हाट इज द वेल डिफाइंड? नाउ सी एग्जांपल है प्लेयर्स इंडियन क्रिकेट टीम. इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन बिकॉज वी कैन राइट सचिन गांगुली ड्रेविड. इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन. इन अदर एग्जाम्पल वी टेक rivers of India. It is also a well defined collection. Ganga, Yamuna, Saraswati, Brahma. It is a well defined collection. And we can say next member members in a family. फैमिली के मेंबर को भी हम डिफाइंड कर सकते हैं. क्लियर? सो सेट क्या है? एक ऐसा कलेक्शन जिसे हम डिफाइंड कर सकें. अब हम वेल डिफाइंड के बाद हमें ये कैसे पता चलेगा कि वेल डिफाइंड नहीं है? तो लेट्स सी नोट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं थ्री बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. अब हम इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अब सपोज करो मुझे तीन प्लेयर बेस्ट रखते हैं, कोहली, धोनी, युवराज. अब हम किसी दूसरे से बात करेंगे अदर कैंडिडेट से, तो उसको धोनी, रैना और रोहित अच्छा लगता, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते थ्री बेस्ट मैन, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है, ये खुद डिफाइंड नहीं हो सकता. और अदर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अदर एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन में? वी कैन राइट हेयर 10 most टैलेंटेड टेड राइटर्स ऑफ इंडिया. इसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते, खुद डिफाइन नहीं हो सकता है. मोस्ट टैलेंटेड
10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बस सभी टैलेंटेड है, जिसने राइटर जो राइटर बन गया वो टैलेंटेड तो है ही, तो इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। होप यू अंडरस्टूड। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस नोटेशन सेट। सेट को कैसे, क्या नोटेशन है सेट की, नोटेशन ऑफ नोटेशन। जनरली सेट को हम जो डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर, अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसके जो सेट के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ सेट को कैसे डिनोट करते हैं, मेंबर ऑफ सेट को हम स्मॉल अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से या नंबर से या जिस जो हमें गिविन होता, जैसे हमें नेम गिविन है सचिन, इंडियन क्रिकेट टीम को लिख रहे थे सचिन, कोहली, रोहित, ऐसे हम लिख सकते हैं, बशर्ते ये सब कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं। जैसे हम यहाँ राइट कर सकते हैं प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम को, इन प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम को रोहित रोहित धोनी एंड सो ऑन 11 को हम कर्ली ब्रैकेट में राइट कर देंगे और किसी लेटर से इनको हम डिनोट कर सकते हैं, ऐसे डिनोट कर दो। तो ये नोटेशन है। अब तुम कहोगे क्या सर हम इसको ऐसे राइट नहीं कर सकते, रोहित धोनी और भी इसमें बैट्समैन आ सकते हैं, प्लेयर आ सकते हैं, क्या सर हम इसको ऐसे राइट नहीं कर सकते, सचिन और तुम्हारा रहना हो गया। तो ये जो दो नोटेशन हैं ये रोंग है, ठीक है। सेट को हम जो डिनोट करेंगे, इसको जो डिनोट करेंगे हम अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। और विद इन ब्रैकेट में हम जो हमें सेट गिविन होगा उस सेट को लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट से दोनों तरफ उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इट इज द नोटेशन ऑफ सेट। अपना नेक्स्ट है हमारा हाउ टू रिप्रेजेंट सेट, हाउ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऐसे सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है। सेट को हम जनरली दो वे से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट है हमारा रोस्टर फॉर्म और दूसरे अदर वर्ल्ड में हम इसको कह सकते हैं टेबुलर और सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम अदर वर्ल्ड में कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म को,
रूल मेथड, ठीक है। दो इसके वे हैं जो कि आपके सिलेबस में है, सिलेबस में क्या दो रूल होते हैं इसके, दो मेथड, ठीक है। अब बात करेंगे हम ये से रोस्टर फॉर्म क्या होता है। देखो ये जो आपने ऊपर ये डिनोट किया था कोमास लगा के विद इन करली ब्रैकेट जो सेपरेट कर दिए थे ये प्लेयर, यही आपकी रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। इसमें किसी में भी मैंने अभी सेट बिल्डर फॉर्म नहीं राइट की, क्लियर। अब मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। हमने क्या लिया, एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर, फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर ले लिए और इसको हम दोनों ही मेथड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा था रोस्टर फॉर्म है, ये टेबलर रोस्टर फॉर्म, ये टेबलर फॉर्म। इसके लिए हमने क्या करा, फाइव हमें नेचुरल नंबर को राइट करना, तो हम इसको एन से डिनोट कर सकते हैं एंड विद इन ब्रैकेट वी कैन राइट वन कॉमा से ऐसे सेपरेट करना हमको थ्री फोर फाइव, इट इज ए रोस्टर फॉर्म ना। इसी को हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर या रूल मेथड में लिखना है। सेट बिल्डर में कैसे राइट करेंगे इसको हम, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है लिखना, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ सारी चीज़ें, तो होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं x इज सच दैट x, ठीक है, ये है इज और ये है सच दैट, ठीक है। x इज सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, क्लियर। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं एक्स सच दैट एक्स, तो इसके प्लेस पर हम ये भी राइट कर सकते हैं, ये भी इसकी नोटेशन है, पर ये लिखना ज़रूरी है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। एक्सरसाइज में आप कन्वर्ट करोगे सेट बिल्डर से रोस्टर, रोस्टर से सेट बिल्डर, तो वहाँ आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज ओनली इंट्रोडक्शन वीडियो, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो के बिना डायरेक्टली आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको वहाँ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो पहले मैं उसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, देर आफ्टर सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करेंगे उसको। सो मैं वोवेल्स ले लेता हूँ अल्फाबेट के, ए आई ओ ई यू, ठीक है। अब तुम कहोगे कि सर आपने तो सीरीज वाइज नहीं लिखा इसमें, इसके लिए भी मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में, अब मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसको किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो, अभी तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, कर सकते हैं वी से डिनोट कर लो, चलो
अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से तो डिनोट करना ही है हमें इसको। अब इसी की आप सेट बिल्डर फॉर्म देखो, सेट बिल्डर फॉर्म, तो देखो हम कैसे राइट करेंगे। एक्स इज सच दैट एक्स, ठीक है, एक्स इज सच दैट एक्स एक्स। अब हम इसको वो भी इसको इसके राइट कर देंगे, इज ए मोबिल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इट इज ए और सेट बिल्डर फॉर्म। सो दीज आर टू एग्जाम्पल ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। होप यू अंडरस्टूड। नाउ आफ्टर दैट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट्स। Before go ahead, we will discuss two properties of set. पहले हम इसकी दो property पढ़ लेते हैं, next हम इसके types पढ़ेंगे। First property क्या है इसकी, a set can be written इन एनी ऑर्डर। इसका क्या मतलब है कि सेट को हम किसी भी ऑर्डर में आ जाएंगे ना, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट है, वो हमारा ऐसे लिखा हो 1 2 3 4, तो हम इसके ऑर्डर पे ध्यान ना देकर हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 4 3 2 1, जैसे कि इसमें मैंने लिखा था, वो भी इस वाला पोर्शन किया था मैंने। ये देखिए ए ई आई ओ होना था ना, तो इसका मैंने ऑर्डर पर कोई ध्यान नहीं दिया था, तो हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं और इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं। इट मीन्स ऑर्डर इज डज ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट वन है हमारा सेम एलिमेंट कैन नॉट रिपीट, कैन नॉट बी रिपीटेड रिपीटेड इन सेट। अब इसका क्या मीन्स है, इसका मीन्स ये है, जैसे मान लो हमारे पास कोई बी सेट है और बी सेट में हमने 4 4 4 3 टाइम लिख दिया और 3 3 3 2 टाइम लिख दिया और फिर 2 आ गया हमारा, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 4 3 टाइम रिपीट हुआ है और 3 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो ये हमारा क्या है प्रॉपर्टी, सेम एलिमेंट जो है रिपीट नहीं हो सकता, तो हम इसको राइट कर देंगे 2 3 4। इसमें भी हम 3 एलिमेंट काउंट करेंगे और इसमें भी हम 3 एलिमेंट, तो सही नोटेशन इसकी ये है। तो ये दो प्रॉपर्टी थी, किसकी प्रॉपर्टी थी, सेट्स की। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सेट्स। अब टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं, टाइप्स टाइप्स ऑफ सेट्स, देखो जनरली 6 टाइप्स सेट के, 6 टाइप्स हैं। पहला है आपका
फाइनाइट से। मैं ज़्यादा डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, आपको इतना करा दूंगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। फाइनाइट मीन्स, फाइनाइट को तो जो जानते हो आप, जो सीमित हो उसको फाइनाइट बोलते हैं हम। जैसे वी कैन राइट है 1, 2, 3, 4, 5, इन अदर वर्ड वी कैन से एंडिंग पॉइंट। तो अब यहाँ देखो आप, ये 5 तक क्या है, सीमित है, यानी 5 तक ये बाउंड हो गया, 1 से लेकर 5, ठीक है। तो 5 से आगे बढ़ ही नहीं सकता ये, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, क्लियर। अगर इसको हम डिफाइन करें तो डिफाइंड में हम इसको कह सकते हैं सेट विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इस कॉल्ड फाइनाइट सेट, ठीक है। अगर फाइनाइट नंबर है उसमें तो फाइनाइट सेट कहलाता है। अब देखिए इनफाइनाइट, इनफाइनाइट क्या है, इनफाइनाइट इसका अपोजिट हो गया कि अगर फाइनाइट किसी सेट में फाइनाइट नंबर नहीं है तो आपका हो गया इनफाइनाइट। फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर का ही सेट ले लो, ये आपका ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट हो गया आपका कि इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, इनफाइनाइट पर जाकर ये एंड हो रहा है, क्लियर। अब नेक्स्ट आप आ जाएंगे इक्वल सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट के लिए हमें 2 सेट लेने पड़ेंगे, ठीक है। हमने एक सेट ले लिया ए, उसमें हमने एलिमेंट रख दी 2, 3, 4, 5। दूसरा ले लिया हमने बी, उसमें भी हमें यही 4 एलिमेंट रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम कह सकते हैं ए में 4 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, और एलिमेंट जो है इक्वल है, सो वी कैन से ये आपके क्या है, इक्वल है दोनों से। तो ये सेट, अगर मैं यहाँ पर एक 6 एलिमेंट ले लूँ, देन वी कैन से बोथ आर नॉट इक्वल। इक्वल तभी होंगे जब इक्वल नंबर हो और सेट भी हमारे क्या हो, सेम हो, क्लियर। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेक्स्ट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट और इक्वल में क्या डिफरेंट है, देखो इसी के, इसके लिए भी वी नीड टू टेक 2 सेट 2, 3, 4, 5। इसमें ये डिफरेंट है, यहाँ पर आप नंबर इक्वल देखोगे ना कि एलिमेंट, क्लियर। नंबर इक्वल देखोगे ना कि एलिमेंट, ये भी दोनों इक्विवेलेंट हो सकते हैं क्योंकि हमें तो नंबर से मतलब है, एलिमेंट से मतलब थोड़ी है, ठीक है। एलिमेंट अगर मैं यहाँ पर एक एलिमेंट और बढ़ा दूँ, सपोज यहाँ पर ये लिख दूँ, तब इक्विवेलेंट नहीं होंगे। वी कैन से नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी इन दिस कंडीशन द सेट्स आर नोन एज इक्विवेलेंट। वी कैन डिफाइन इट, 2 फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी, एग्जीक्यूटेड। नाउ नेक्स्ट 5 एम्प्टी और नल और वॉइड, एक ही बात है सारे सेट,
ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब कोई एलिमेंट किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उस सेट को हम नल सेट बोल सकते हैं। वी कैन से ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड द नल सेट। अब इसको डिनोट क्या कैसे करेंगे, या तो हम इसको एम्प्टी ब्रैकेट से डिनोट कर दो करली ब्रैकेट से, या आप इसको फाई से लिख दो, फाई से भी राइट कर सकते हैं इसको हम। ये दोनों ही नोटेशन इसकी हम राइट कर सकते हैं। नाउ लास्ट वन इज सिंगल टन से। सिंगलटन सेट क्या है? सिंगलटन ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, यानी कि किसी सेट में अगर सिंगल एलिमेंट है तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। थैंक यू।